आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। रीवा पुलिस ने आखिरकार नशे के कुख्यात सरगना बुच्ची साहू को कल रात गिरफ्तार कर लिया है। पकड़ा गया आरोपी रातों रात जिला छोड़कर भागने की फिराक में था, जिसे पुलिस ने घेराबंदी कर पकड़ा। आरोपी एनडीपीएस के एक्ट के कई अलग अलग मामलों में फरार था, जिस पर पुलिस ने इनाम भी घोषित कर रखा था, जो लंबे समय से पुलिस को चकमा देकर फरार चल रहा था। सूत्रों के माने तो सरगना बुच्ची को पुलिस की वर्दी के पीछे छिपे कुछ खाकी धारियों का भी संरक्षण प्राप्त था, जिसकी वजह से वह पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर जिले में नशे का अवैध कारोबार करता रहा। बहरहाल पुलिस ने इस कुख्यात तस्कर को गिरफ्तार कर लिया है, जिसे आज न्यायालय में पेश किया जाएगा। दरअसल यह कार्रवाई रीवा एसपी नवनीत भसीन के निर्देशन पर चुराटा थाना प्रभारी विद्यावारिद तिवारी ने की है। कार्रवाई को लेकर पुलिस ने बताया कि मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि फरार इनामी बदमाश करहिया निवासी बुच्ची साहू रीवा छोड़कर भागने की फिराक में है। सूचना मिलते ही पुलिस ने घेराबंदी कर फरार आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, जिसे आज न्यायालय में लंबित मामलों में पेश किया जाएगा। आपको बता दें कि करहिया निवासी बुच्ची साहू जिले का सबसे बड़ा नशे का तस्कर है, जिसने करहिया क्षेत्र को नशे की तस्करी का हब बना रखा था और यहीं से वह पूरे जिले में नशे की खेप की सप्लाई करता था। बता दें कि बुच्ची के नाम से जिले में 18 अपराध दर्ज हैं, जिसमें सबसे अधिक मामले एनडीपीएस एक्ट के हैं। बता दें कि यह तस्कर छोटी मोटी तस्करी नहीं, बल्कि ट्रकों में भरकर नशे की खेप को शहर के बीच मंगाकर डंप करता था और फिर बेखौफ होकर तस्करी करता था। बताया जाता है कि आरोपी को पुलिस विभाग के ही कुछ खाकीधारियों का भी संरक्षण प्राप्त था, जिसके चलते वह शोहरत की ऊंचाइयों को छूता गया और टोपरी में सब्जी बेचते बेचते आलीशान बिल्डिंग व बड़े बड़े प्लाटों का मालिक बन बैठा। फिलहाल बुच्ची अब पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है, जिस पर एनडीपीएस के कई मामले होने के कारण जिला बदर की भी कार्रवाई की जा सकती है।